जी ने अपने हाथों से इन्हें छात्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में छात्र लोजपा आगे बढ़ेगी और मजबूती के साथ हम लोग अपने पार्टी को विस्तार करने में सफल रहेंगे। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो। आकाश जी, लोजपाई को आपने क्यों? सबसे पहले तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस सर का और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री प्रिंस राज भैया को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। और लोजपा हमने इसलिए चुना कि जिस दल ने हमारे 7 वर्षों का संघर्ष को एक पल भर में लड़ाई में हमें बेदखल कर हमें बेइज्जत करने का काम किया, आज वो मेहनताना हमें देने का काम लोजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सर ने और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया ने देने का काम किया है। इसीलिए हमने लोजपा को, हम लोगों ने तमाम जो हमारे छात्र के हमारे जो साथीगण थे और भी कई साथी हैं जो हम लोग पटना में भव्य कार्यक्रम करके एक मिलन समारोह कराएंगे, तो तमाम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और इस बंगले को समाजवाद के असली विचारधारा से सजाकर बिहार में पशुपति कुमार पारस सर का और प्रिंस राज भैया के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आप तेज प्रताप के सबसे खास थे, तेज प्रताप की पार्टी में नाराज चल रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो क्या आपकी ये पर्सनल कोशिश होगी कि तेज प्रताप को बिदला के बंगला को और मजबूत किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और उस छोटे से कार्यकर्ता का जो दायित्व हमें पार्टी की तरफ से दिया गया है बतौर छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारा पहला उद्देश्य होगा कि हम तमाम देश के अंदर विश्वविद्यालयों का समस्या और विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को दल से जोड़ने का काम करें। कार्यकर्ता से दल मजबूत होता है, नेताओं से नहीं। दूसरे हमारे तेलंगाना के राव साहब पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, भीमा राव जी, जब पहले 2016 में से लेकर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, जब सोनिया पासवान जी जीवित थे, तो उन्होंने ही इनको प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये बनाए गए थे। और कुछ दिन पहले तक ये चिराग पासवान जी के साथ थे, गलतफहमी का शिकार बने कर चिराग पासवान जी के साथ रहे, बाद में इन्होंने ये अपना समर्थन, आज हमारे दल के साथ में इनका समर्थन आया और मैं सुना कि अपने दल से पुराने जो दल था चिराग पासवान जी का, उससे इन्होंने इस्तीफा कर दिया और आज मैं इनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष में नियुक्त किया। सर, एक सवाल है, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी रहे हैं आकाश यादव, उन्हीं के राइट हैंड माने जाते रहे हैं, आकाश यादव की एंट्री आपकी पार्टी में हुई है, तो माना जाए कि अगला कदम तेज प्रताप यादव का होगा? समय बलवान है, इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, सब कुछ हो जाएगा। आकाश जी, आकाश नहीं, अगर उनका स्वागत करेंगे आने वाले दिनों में। आकाश जी, आप बताइए। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि हमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है, हम उस पर काम करेंगे, उस कड़ी में जो भी लोग जुड़ेंगे उनका हम तहे दिल से स्वागत करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम श्रवण अग्रवाल भैया का भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि एक बिहार से खगड़िया जिला से आने के बाद इन्होंने जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी का प्रचार और प्रसार हम युवाओं के बीच में करने का काम किया, जिनके बदौलत आज हम लोगों ने इस पार्टी का सदस्यता लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें छात्र का बनाया गया, उनको भी तहे दिल से आप तमाम मीडिया कर्मी के सामने उनका धन्यवाद देने का काम करते हैं। और लोग जो हाँ, बबलू जी हैं हमारे पत्रकार के, बहुत मजबूत साथी हैं, नाम नहीं लिखेंगे, तो ये भी हमारी पार्टी में आज इधर से ज्वाइन किए हैं। पीछे जो लोग, क्या नाम जी? मुकेश कुमार सिंह, बबलू, मुकेश कुमार सिंह जी, हम लोग बबलू जी कहते हैं। तो इन्होंने भी पार्टी आज, मुकेश कुमार सिंह उर्फ बबलू जी, और तो जैन जी, और ये बाकी सब हमारे साथ में हैं लोग, और ये हमारे अभिषेक सिंह जी हुए, ये हमारे विशाल राय जी हुए, ये हमारे मणितोष जी हुए, झारखंड के हमारे हैं, काफ़ी सक्रिय रहे राष्ट्रीय जनता दल में, अर्घ जी हुए, और ये हमारे गणेश मामा जी हुए, जो तमाम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा से जुड़कर और जो फर्जी तरीके से जो बिहार में युवाओं को बड़गलाने का जो तमाम दल जो युवाओं के नाम पर जो ठगने का काम कर रहा है, उनके विरोध में खड़ा होने का हम लोग काम कर रहे हैं। आइए, आप करिए, आप करिए, आप करिए। हाँ, लिखा हाँ, नाम
ऊपर में भी ये आकाश जी फोटो ले लो उसके पीछे से ले लो फोटो नाम नहीं लिखा होता ये नाम लिखा था नाम लिखा हुआ है सर आइए माला ले पकड़ माला है यार उनको भी डाल दीजिए जी पहले एक धन्यवाद आइए ये लो भैया आप बोल देते चलिए गलम गलम बड़ी हो गया चलो छोटा वाला माला लाइए तो कहाँ है अब लाइए आइए भाई जो ये लोग ज्वाइन किए हैं नाम बताइए उनका भर भर नहीं करिए बड़ा मुश्किल लग रहा है इसी दिन ये मार आइए तेलंगाना के हैं ये पहले चिराग पासवान जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तेलंगाना के आज उस सफा के करके हमारे दल के ज्वाइन किए हैं मैं को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष ने पुनः भीमाराव नहीं गुलदस्ता ये पार्टी का स्थापना काल से ही थे 2016 से अध्यक्ष थे उधर देखिए गुलदस्ता और जी आइए बबलू जी बबलू जी भी हैं हम ही कहेंगे देश में है तो हम माला पहना देते हैं पीछे बहुत लोग हैं जो सब लोग को देना है पीछे आप लोग हम